आपकी मिनिमम जो है 2 लाख की क्रय शक्ति पैदा करना वो मेरी गारंटी है। अब बताइए उसके आप। उसके लिए शिक्षा भी हम देंगे, हुनर भी हम सिखाएंगे, आपको आने जाने की गाड़ी भी हम देंगे, आपको जी काम जो है इफिशियंटली कर सकें, इसलिए जी आपको टूल्स भी दिए जाएंगे और जी आपको वो टूल्स भी दिए जाएंगे जो आज पैदा भी नहीं हुए हैं। जी मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट से ऐसे टूल क्रिएट किए जाएंगे और वो भी आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे, राइट? हाँ जी लेकिन मुफ्त कुछ नहीं होगा, वो सब आपके डेबिट अकाउंट पे चार्ज होंगे और जब हाँ आप कमाने लगेंगे तो धीरे धीरे पट जाएगा। हाँ उसके कुछ परसेंटेज धीरे धीरे माइनस हो जाएगा। हाँ, धीरे धीरे पट जाएगा, जैसा जितना ज्यादा आप कमाएंगे मिनिमम गारंटेड के ऊपर का जो है ना वहां चला जाएगा, जी तो आपके पास मिनिमम है और फिर आप जो है ना जब आपका वो डेबिट एंट्री क्लियर हो जाएंगे तब आपकी अर्निंग जो है ना कितनी हो जाएगी, 5 लाख हो जाएगी। बिल्कुल सही बोले आप जी। तो ये समृद्धि संभव है, राइट? अब हमने व्यापारियों का कलेक्ट जारी किया है, आपको देखने का समय नहीं मिला है, जी उसमें जी हमने कहा है कि ये मॉडल जो है आपको स्किल्ड जो है ना लेबर देगा, आप राइट, जी आपको रॉ मटेरियल आपके घर में पहुंच जाएगा, काम जी हाँ करने वाले आपके घर में पहुंच जाएंगे, आपका मटेरियल जिसके पास बिक के जाना है वहां पहुंच जाएगा, और सब जगह क्वालिटी चेक होगा, आप दुष्टता कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे, ये हाँ दुष्टता विहीन सिस्टम है, राइट? आप कहीं दुष्टता नहीं कर पाएंगे, जो क्वालिटी चेक जो है ना यहां से भी होगा और वहां पे भी होगा, और हाँ यदि मान लो क्वालिटी चेक में आप वहां फेल पा गए, फेल हो गए कंज्यूमर एंड पे, तो हाँ इसको जो है ना 10 टाइम्स पेनल्टी लग जाएगी, और 2-3 बार हो गया तो आपको जो है ना यू विल नॉट बी ए क्वालिटी कंट्रोलर, मतलब जी जी चेक एंड बैलेंसेस हर जगह है, बॉस कोई नहीं बन रहा है इसमें। हाँ अब मैं ये चाह रहा था कि देखो आज बनिया वर्ग जो है विशेष तौर पर सबसे जी ज्यादा उत्पीड़ित व्यक्ति है, जी जी और बनिया वर्ग को गाली भी देती मिलती है, मिलती कि नहीं मिलती है, चोर फलाना जो कुछ भी उल्टा सीधा कहना होता है, अपराधी अधिकारी जो साला खुद भ्रष्टाचार करते हैं हाँ वो हर बनियों को चोर मानते हैं कि नहीं मानते, मानते हर इनकम टैक्स वाला हर बनियों को चोर मानता है कि नहीं मानता, जी जबकि साले वो डकैत हैं, वो रेड पे जाते हैं तो अपनी जेबों में जितना भर पाते हैं भर लेते हैं, वो जो ना सर्च वर्च के जो ना वो फर्जी बन जाता है, कौन 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 चेक करेगा, सही बात कोई है, चेक करेगा क्या? वही नहीं चेक करेंगे। तो चाहे आप जो है ना प्रोसीजर बना लो कि साहब हम जब रेड कंडक्ट करने आएंगे तो सर्च कर लोगे, तो वो सर्च क्या करेगा, सर्च तो वही कर रहा है, वगैरह भाई साहब ले जाओ आप हमें बख्शो यार, कहाँ चक्कर में पड़े हुए हो, है कि नहीं? तो सही है जी जो डकैत है वो साहूकार बना हुआ है और बनिया बेचारा प्रताड़ित है, और जी आपके यदि हम राजनीतिक उसमें सो नहीं आ रहे हैं तो आपके ऊपर हम उल्टा रेड और कर देंगे, हाँ आपका जो है ना अकाउंट सीज कर देंगे, तो जी मतलब दुष्टा के ऊपर दुष्टा है। तो मेरा ऐसा सोचना था कि जिन लोगों से आप जुड़े हुए हैं वहां पे हाँ मेरा आप टॉक कराइए, ठीक है जी तो कितने जगह पे आप हमारा टॉक करा सकते हो, और जी इसमें देखो दो व्यवस्थाएं हैं, जरा मैं व्यवस्था बता दूं, जी देखो इस चीज को आप तब तक नहीं बदल सकते हो जब तक कि आपके हाथ में सत्ता नहीं होगी, जी जी क्लियर? बिल्कुल सही है मतलब ये जो है सत्ता के बाहर बैठ के इन दुष्टों को सलाह दे के आप कोई परिवर्तन नहीं ला सकते हो, जी क्योंकि ये इतने दुष्ट लोग हैं। देखो मेरा एक मार्ट आपने देखा भी होगा, दीपक करके, दीपक कमांडो, हाँ वो हाँ जो है मार्शल आर्ट वाला, आपने सब देखा होगा शादी में बड़ी बिटिया की, राइट? हाँ वो आया यहाँ पे, उसने कहा कि हम सब पूरे उनको जो है फ्री जो है वो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे देंगे, जी तो जो जो प्रभारी मंत्री थे उन्होंने कहा कि हमारे पीए से बात कर लो आप, तो हाँ पीए ने कहा भैया फ्री में क्यों देना चाहते हैं आप, इतना पैसा चार्ज करो, इतना तुम रख लेना, इतना हमें दे देना। सही तो ये तो इतने दुष्ट है ना, बात है हाँ मतलब दुष्टता इनकी सोच चिंतन में भरी हुई है, और अच्छे लोगों को टिकट नहीं मिलता है, बदमाशों को टिकट मिलता है, और जी प्रजातंत्र कहीं है नहीं। आप ये बताओ चाहे आप किसी भी कंसिडरेशन में टिकट देते हो, हम कह रहे चाहे खूब दारू पैसे और फ्रीवी के चक्कर में आप उसको किसी को वोट दे देते हो, राइट? हाँ हाँ वो आपका चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव कहलाना चाहिए कि नहीं कहलाना चाहिए? बिल्कुल जी। तो उसे आपकी बात कहना चाहिए, चाहे चाहे कितने भी घटियापन से क्यों ना जीता हो वो, हाँ उसे आपकी बात कहना चाहिए, तभी वो आपका रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? बिल्कुल सही बोले तो आपने पार्टी व्हिप बना के रखी हुई है, उसका तो गला पकड़ के रखा है आपने, कहा पार्टी लाइन से जो है कुछ अलग बोल ही नहीं सकते हो, जी तो वो तो पार्टी का बंधुआ मजदूर हो गया, हाँ तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ है? हाँ सही बात है यार नहीं, वेयर इज द डेमोक्रेसी? हाँ नहीं नहीं ये बिल्कुल सही बोले आप तो देयर इज नो डेमोक्रेसी, और उसकी औकात नहीं है कि वो पार्टी लाइन से हटके कह दे,
जी चाहे दिल में कुछ भी महसूस करते रहे, उसकी औकात नहीं है। हाँ आज औकात है कि किसी भी भाजपा वाले की के जो है ना पार्टी लाइन के पार्टी कमांड के जो है ना खिलाफ कुछ बोल दे? नहीं नहीं कोई नहीं बोल सकता औकात नहीं है उसकी, जी वो धराशायी हो जाएगा 2 मिनट के अंदर। उसे उसे जो है ना ये प्राइमरी मेंबरशिप से हटा देंगे, मेंबरशिप छुड़ा लेंगे, एमएलए एमपी सब छुड़ा लेंगे, कुछ नहीं बचेगा उसके पास। हाँ है कि नहीं है? बिल्कुल सही बोले आप जी। तो क्राइम फ्री भारत का मिशन का, हमारे मिशन का ये मानना है कि आज की व्यवस्था राक्षसी व्यवस्था है, और इस राक्षसी व्यवस्था की जान एक तोते में है, और उस तोते का नाम राजनेता है जी। और जब तक हम इस राजनेता को पराजित नहीं करेंगे जी, तब तक जो है ये राक्षसी व्यवस्था का अंत नहीं हो सकता है। फ्री भी मुक्त, रिजर्वेशन मुक्त, गरीबी मुक्त, समृद्ध भारत पैदा हो ही नहीं सकता है जी। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता सर, नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कहा साहब आप जो है ना ये सब बातें कर रहे हैं, जब आप कर ही नहीं सकते हो तो फिर कैसे करोगे? तो हमने इसके लिए सर्टेनिटी के साथ